मुझे अपने झूठे स्पर्श से अपवित्र किया है। तुझे ज्ञात है इसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है? किंतु ऋषिवर, ये मूर्ख बालक है कौन? इसने हमारा अपमान किया है। नहीं नहीं ऋषिवर, आप इस पर क्रोधित ना होइए। ये मेरा अनुज है, ये आपसे परिचित नहीं है। इसकी मंशा आपको अपमानित या अपवित्र करने की कदापि नहीं थी। मुझे मानसरोवर में स्नान कर अपना शुद्धिकरण करना होगा। अपने अनुज को समझा लेना, मानसरोवर में स्नान के पश्चात मैं लौटूंगा। यदि इसने मुझे दोबारा रोकने की चेष्टा की तो इसे पछताना होगा। ये कौन थे भैया? इनको इतना क्रोध क्यों आ गया? मैंने तो अत्यंत विनम्रता से आग्रह किया था। मैं समझ गया था गणेश कि तुमने इन्हें पहचाना नहीं। ये परशुराम जी हैं। परशुराम जी? किंतु ये है कौन? परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार है गणेश। ओम नमः शिवाय। उनकी माता रेणुका और उनके पिता सप्तऋषि जमदग्नि ने उनका नाम राम रखा था। पिताजी का शिष्य बन उन्होंने युद्ध विद्या प्राप्त की। उनकी युद्ध विद्या में निपुणता देख पिताजी अति प्रसन्न हुए। वो पिताजी द्वारा दिया गया पशु धारण करते और इसीलिए उन्हें परशुराम कहा जाता है। ऋग्वर्षि परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी एक महायोद्धा है। उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के सर्वोच्च गुण हैं और ये उनके परपितामह महर्षि भृगु के वरदान से संभव हुआ है। यहां कैलाश पर परशुराम जी युद्ध विद्या प्राप्त कर रहे थे और वहां उनके पिता
सप्तऋषि जमदग्नि पुण्य कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें कामधेनु गाय प्रदान की ताकि वो सभी का पोषण कर सके। एक दिन राजा कार्तवीर ऋषि जमदग्नि के आश्रम पधारे और उन्होंने उनसे उनकी कामधेनु गाय मांगी। मैं आपको ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। मैं इस कामधेनु को लेके जाऊंगा। नहीं, ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। स्वामी, ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम की माता पति वियोग सह नहीं पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब परशुराम जी कैलाश से लौटे तब उन्हें दुराचारी राजा कार्तवीर्य के दुष्कृत्य की सूचना मिली। और परशुराम जी ने पिताजी द्वारा दिए गए परशु से कार्तवीर्य का वध कर दिया। आज भी उनके हाथ में पिताजी द्वारा दिया गया वही परशु है। तब से उनका क्रोध शांत नहीं हो सका। मैं एक बार उनको प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लूंगा तो उनका क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। मेरी अनभिज्ञता के लिए मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु अब मुझे भैया ने आपका परिचय दे दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बालक हो इसलिए क्षमा कर रहा हूं। मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे महादेव से मिलना है। तो ऋषिवर, महादेव की ये आज्ञा है कि हम किसी को भी उनसे मिलने ना दें। बालक! मैंने कहा था मुझे रोकने की चेष्टा मत करना। परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं ऋषिवर। किंतु द्वार रक्षा का वचन दिया है मैंने, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। वचन निभाने हेतु तो मैंने अपने पिता को भी रोक दिया था। वचन तो तुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अब वो तू स्वयं अपनी इच्छा से मेरे मार्ग छोड़कर करता है या मुझसे पराजित होकर, निर्णय तुम्हारा है।
नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। मेरा अनुज आपका अपमान नहीं कर रहा था। परशुराम जी, मैं आपसे विनती करता, मेरे अनुज पर क्रोधित ना हो। मैंने एक बार इसे बालक समझकर क्षमा कर दिया, किंतु आप इसको इसकी धृष्टता का दंड देना ही होगा। बालक का श्रेष्ठों से युद्ध करना उचित नहीं होता। मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही आपको महादेव का ध्यान भंग करने दूंगा। तैयार हो जा बालक। प्रेम पूर्वक शांति से मेरा अनुरोध सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हम दोनों आपका अपमान कर ही नहीं सकते। आप एक बार मेरे हृदय से लग जाइए तो आपको सत्य की अनुभूति हो जाएगी। पिताजी का पशु है, इसके गाद को रोककर मैं इसका अपमान नहीं कर सकता। से क्या अनर्थ हो गया? आप इन्हें दंड दीजिए स्वामी।
कैलाश पे प्रवेश करने से रोके जाने पर परशुराम जी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्होंने क्रोध में आकर अपना परशु चला दिया। यदि मैं चाहता तो इनके प्रहार को रोक भी देता, किंतु ऐसा करने से पिताजी का शस्त्र परशु का अपमान होता। इसीलिए मैंने उसे अपने दांत पर रह लिया। पिताजी के पशु का मान बना रहे। आप चिंता मत करिए माता, परशुराम जी तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। इन्होंने मेरे एक दंत को तोड़कर मेरी संपूर्णता को अपूर्णता में परिवर्तित कर दिया। अपूर्णता अर्थात जिज्ञासा, कर्म करने की प्रेरणा। साथियात परशुराम जी ने मुझे मेरी सहनशीलता का प्रतिज्ञा करा दिया। इन्होंने मुझे क्षति नहीं पहुंचाई, इन्होंने तो मेरा उद्धार ही किया है। ऋषि होकर भी मैं इस ज्ञान और सहन शक्ति का एक अंश भी नहीं पा सका जो इस बालक में है। मुझे लगा इसने छूकर मुझे अपवित्र कर दिया, परंतु इसके स्पर्श ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी अज्ञानता से, मेरे क्रोध से मुझे दुख है। मैंने गणेश जी पर प्रहार किया, इस अपराध का जो भी दंड आप निर्धारित करें वो मुझे स्वीकार है। आप दंड के भागी नहीं बनेंगे परशुराम। पार्वती परशुराम ने नारायण के अवतार में गणेश का एक दांत तोड़कर यह संदेश दिया कि बुद्धि सदैव श्रद्धा से कम होनी चाहिए। जीवन में कल्याण बनाए रखने हेतु ही अनिवार्य है। गणेश जी की कल्याणकारी हितकारी महादेव पार्वती नंदन की गणेश जी की गणेश जी की। महादेव, गणेश ने संसार की एक और जटिल समस्या का समाधान कर दिया है। गणेश की सहन शक्ति और बुद्धिमत्ता सराहनीय है, अतुलनीय है। ऐसा बल और ऐसा साहस यदि किसी और के पास होता तो वो परशुराम से युद्ध करके इस प्रसंग को विनाश लीला में परिवर्तित कर देता।